1609 में गैलीलियो गैली ने मार्स, मरकरी, वीनस और सैटर्न के बाद स्पेस के सबसे बड़े प्लैनेट को आसमान में देखा। ये प्लैनेट इतना ब्राइट था कि इसने वीनस की रोशनी को भी कम कर दिया। 1610 में पहली बार गैलीलियो ने इसके चार बड़े मून्स को डिस्कवर किया, जिनका नाम आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो था, जिन्हें गैलीलियो के ऑनर में गैलीलियन मून्स कहा जाता है। बियॉन्ड द अर्थ की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कहानी थी इस प्लैनेट की, जिसको सब द जायंट प्लैनेट जुपिटर के नाम से जानते हैं। एंशिएंट मेसोपोटामियन हिस्ट्री में जुपिटर को बेबीलोनियंस मद्रूप के नाम से पूजा करते थे। ये देवता बेबीलोन का सबसे ताकतवर देवता माना जाता था। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेबीलोन और मेसोपोटामियन हिस्ट्री क्या थी, तो आई बटन पर दी गई इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। जुपिटर नाम रोमन माइथोलॉजी से लिया गया था। जुपिटर को ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे बड़े खुदा ज्यूस का साथी बताया जाता था। जुपिटर देवता रोमन में थंडर, लाइटनिंग और स्ट्रॉम का देवता माना जाता था। कहा जाता है कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के वक्त जब सारे प्लैनेट्स, फिर चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हों या जायंट, सब एक ही स्टेट में थे, तब जुपिटर इनर प्लैनेट में आता था। लेकिन जैसे जैसे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन का वक्त बीतता गया, तो जुपिटर भी एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर होता गया। इस थ्योरी को ग्रैंड टैग हाइपोथेसिस कहा जाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जुपिटर की पैदाइश सन से भी पहले हुई थी, जबकि कुछ का मानना यह है कि जुपिटर सन से तकरीबन 4.5 बिलियन साल बाद पैदा हुआ था। बातें तो बहुत सी हैं इस प्लैनेट के बारे में, तो चलिए देखते हैं आखिर इस प्लैनेट में ऐसा क्या खास है इसके प्लैनेट स्केच में। जुपिटर को सबसे पहले बेबीलोनियन एस्ट्रोनोमर्स ने देखा था। इसको सबसे पहले 7th और 8th सेंचुरी में रिकॉर्ड किया गया था। इसका सरफेस टेम्परेचर -108 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑर्बिट पीरियड तकरीबन 12 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इसका ऑर्बिट डिस्टेंस तकरीबन 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इसके पास चार रिंग होती हैं। जुपिटर के सबसे बड़े मून्स होते हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। इसके पास तकरीबन 67 मून्स हैं, जिसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं। इसका इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस होता है 4,39,264 किलोमीटर्स। इसका पोलर डायमीटर होता है 1,33,709 किलोमीटर्स। इसका इक्वेटोरियल डायमीटर होता है 1,42,984 किलोमीटर्स। इसका मास तकरीबन 400 गुना होता है अर्थ के मास से। इसका मतलब तकरीबन 400 अर्थ इस एक जुपिटर के अंदर समा सकते हैं। हैरानी की बात है कि एक इतना बड़ा प्लैनेट जिसमें इतने सारे अर्थ समा सकते हैं, आखिर इतना अनजान क्यों है? आइए जानते हैं। जुपिटर हर 10 घंटे में एक रोटेशन करता है, जिसको एक जोवियन दिन कहा जाता है। यही वजह है कि जुपिटर का दिन सबसे छोटा होता है, लेकिन इसका रेवोल्यूशन काफ़ी लंबा है, यानी तकरीबन 12 सालों का। क्योंकि जुपिटर की एक्सिस ज़्यादा टिल्ट नहीं है, इसलिए इस प्लैनेट पर सीजनल वेरिएशन बहुत कम होते हैं। इसका 90% सरफेस हाइड्रोजन से बना होता है और 10% हीलियम से। पहले की रिसर्च के मुताबिक माना जाता था कि जुपिटर का कोई कोर नहीं है, लेकिन कुछ सालों पहले ही इसका कोर ढूंढा जा चुका है और इसके कोर में मेटलिक हाइड्रोजन पाई जाती है। जुपिटर को सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर वाला प्लैनेट माना जाता है, जो तकरीबन 5,000 किलोमीटर होता है।
और इसके क्लाउड में अमोनिया क्रिस्टल और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड गैस भी मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डेंस प्लैनेट होता है। इसका अपर एटमॉस्फेयर तकरीबन 90% हाइड्रोजन से बना होता है। इसके एटमॉस्फेयर में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% अदर गैसेस का मास प्रेजेंट होता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 14 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मानी जाती है, जिसके बाद जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लैनेट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर के कोर में मौजूद लिक्विड मेटलिक हाइड्रोजन और इसके मून्स जैसे आयो पर होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। डेटा से ये पता चला है कि जुपिटर के ऊपर टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये और ज़्यादा गर्म हो जाता है जब जुपिटर सन के ज़्यादा करीब होता है। इस प्लैनेट का एक की फीचर इसका एक स्टॉर्म है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टॉर्म 1665 से पाया गया है, जबकि कुछ लोग का ये मानना है कि स्टॉर्म 1831 में पहली बार देखा गया था। ओवल शेप का ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साइज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है 6 दिनों तक। जब से इसकी डिस्कवरी हुई है तब से देखा गया है कि इस स्टॉर्म का साइज दिन पे दिन छोटा होता जा रहा है। तूफान तो बहुत आते हैं जुपिटर के ऊपर, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत घंटों तक चलते हैं और कुछ तो पूरी पूरी सेंचुरीज तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसकी विंड स्पीड बहुत तेज होती है। पहले जुपिटर को दी किंग ऑफ दी मून्स माना जाता था, क्योंकि इसके पास 79 मून्स होते हैं, लेकिन अब जुपिटर का ये टाइटल उसके दोस्त सैटर्न के पास चला गया है, क्योंकि सैटर्न के पास अब 82 मून्स हो गए हैं। इन मून्स को हर दिन ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपने हमारी सैटर्न पर बनाई गई वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इन 79 सैटेलाइट्स में से 63 10 किलोमीटर की रेंज में आती हैं। गैलीलियन मून्स जैसे आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो इतने बड़े होते हैं कि इन्हें अर्थ से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये चारों मून्स पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट्स में से एक हैं और इन सब में गैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून माना जाता है। जुपिटर और सैटर्न के इन बड़े मून्स को हम कुछ और वीडियोस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर बात की जाए जुपिटर की प्लैनेटरी रिंग्स की, तो ये सैटर्न के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं, लेकिन इसके 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। पहला सेगमेंट, जिसे इनर टॉरस कहा जाता है, वो बहुत ही डिम माना जाता है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट आता है, जिसे मेन रिंग कहते हैं, और इसके बाद एक गैस की रिंग होती है, जिसे गैसोमेर रिंग कहा जाता है। अब जब जुपिटर के पास कोई सरफेस है ही नहीं, तो इस पर जिंदगी ढूंढने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके मून्स जैसे गैमीड और कैलिस्टो पर जिंदगी ढूंढी जा सकती है। जूनो नाम का एक स्पेस क्राफ्ट 2011 में लॉन्च हुआ था और वो अभी तक जुपिटर को एनालाइज कर रहा है और डेटा सेंड कर रहा है। फ्यूचर मिशन भी इसके मून्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिनको 2020 से 2026 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इनके मून्स पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लाइफ के पाए जाने के, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बात थी जुपिटर की, जो हमने बियॉन्ड द अर्थ के आज के इस एपिसोड में की। हमने बियॉन्ड द अर्थ के काफ़ी एपिसोड्स में बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बात की, कुछ पर ज़मीन थी और कुछ पर नहीं, लेकिन अभी भी दो ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनको लोग ज़्यादा नहीं जानते। उन दो प्लैनेट्स में से हम अगली वीडियो में बात करेंगे उस प्लैनेट के बारे में जो बर्फ़ से बना हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
माजी पास्कल देखते रहिएगा।